नमस्कार बच्चों। सो आज से हम इस चैनल पे एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। सीरीज का नाम है अभ्यास सीरीज, और इस सीरीज में हम क्लास 10 साइंस के सारे चैप्टर्स के वन शॉट डालेंगे, और ये वन शॉट इसी पर्सपेक्टिव से बनाए जाएंगे कि अगर आपको इस चैप्टर में से कुछ नहीं आ रहा तो ये सीरीज आपके लिए है। अगर आपको इस चैप्टर से अभी तक आपने कुछ नहीं समझा है तो ये सीरीज आपके लिए है। आपको किसी टॉपिक में कोई डाउट है तो ये सीरीज आपके लिए है। आज इस सीरीज में पहली वीडियो है, और पहली वीडियो में हम चैप्टर 1 साइंस का कवर कर रहे होंगे जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अब ये सुन के हमारे माइंड में सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है, केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है। तो देखिए, एक एग्जांपल से समझते हैं, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक मैग्नीशियम रिबन है, यहाँ पे हमारे पास एक मैग्नीशियम का रिबन है। इस मैग्नीशियम रिबन को हम क्या कर रहे हैं, जला रहे हैं। तो यहाँ पे हमें एक डेजलिंग व्हाइट फ्लेम देखने को मिलेगी और एक व्हाइट पाउडर हमें यहाँ पर मिलेगा। अब यहां से हम क्या समझ सकते हैं कि जब हमने मैग्नीशियम को हीट किया तो मैग्नीशियम ने क्या किया, इसने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया और एक सब्सटेंस बनाया MgO, जिसे हम मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। यहां हुआ क्या, दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं और एक नया सब्सटेंस बनाते हैं जिसकी एक नई प्रॉपर्टी है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की जो प्रॉपर्टी होगी वो काफी डिफरेंट होगी मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रॉपर्टी से। तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे दो सब्सटेंस आपस में कंबाइन हुए, या हम कह सकते हैं आपस में रिएक्ट किए, एक नया सब्सटेंस बनाया जिसकी एक नई प्रॉपर्टी है। ऐसा ही केमिकल रिएक्शन में होता है, सब्सटेंसेस रिएक्ट करते हैं, नए सब्सटेंसेस बनाते हैं जिनकी कुछ नई प्रॉपर्टी होती है। अब एक चीज आपको दिमाग में रखना है कि केमिकल रिएक्शन के दौरान कोई भी एलिमेंट जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता, किसी भी एलिमेंट का कोई भी एटम जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि जो एलिमेंट है वो रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है। जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटा और मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं, इससे हम ये समझ सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन में जो ओल्ड बॉन्ड होते हैं, जो पुराने बॉन्ड होते हैं वो टूट जाते हैं और यहाँ पर नए बॉन्ड जो है वो बनते हैं। तो यहां से आपको केमिकल रिएक्शन क्या होता है वो समझ में आ गया। अब इसी केमिकल रिएक्शन को जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, इसको हम रिप्रेजेंट किस तरीके से कर सकते हैं वो देख लेते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं, मैंने इसको वर्ड फॉर्म में लिखा है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। अब यहां पर अगर आप एरो के लेफ्ट हैंड साइड यानी कि इन दो चीजों को देखोगे तो इन्हें हम रिएक्टेंट कहते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। अब जब हम एरो के राइट साइड में आते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड दिखता है। अब इस साइड एरो के राइट साइड वाले सब्सटेंसेस का नाम हमने क्या रख दिया, प्रोडक्ट रख दिया। एरो के लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट्स, एरो के राइट हैंड साइड हम उसे क्या कहेंगे, प्रोडक्ट कहेंगे। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन को वर्ड फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो हमने समझ लिया। अब एक और परसेप्शन हमारे माइंड में ये रहता है कि केमिकल रिएक्शन जो है वो सिर्फ लैबोरेटरीज में होती है, बट ये बिल्कुल गलत है। केमिकल रिएक्शन हमारी डे टू डे लाइफ में भी काफी सारे प्रोसेसेस होते हैं जिनमें केमिकल रिएक्शन हो रही होती है। जैसे फ्रूट्स का पकना, बनाना, अगर मैं बनाना की बात करता हूँ तो इनिशियल स्टेज में वो ग्रीन कलर का होता है, धीरे धीरे ब्लैक कलर का होता है, फिर ये धीरे धीरे येलो कलर का होता है, फिर एक ब्लैक कलर की कोटिंग उसके ऊपर आने लगती है। तो जो फ्रूट का पकना होता है ना, वो क्यों पकता है, क्योंकि अंदर एक केमिकल रिएक्शन हो रही होती है। आयरन की रस्टिंग होना, आयरन के ऊपर पहले वो रेडिश ब्राउन कलर की कोटिंग जो होती है वो नहीं होती है, बट वो मॉइस्ट एयर के प्रेजेंस में रहते रहते उसके ऊपर एक रेडिश ब्राउन कलर की कोटिंग आ जाती है जिसे आप रस्ट कहते हैं। और ये क्यों होता है, ये केमिकल रिएक्शन के कारण होता है जो आयरन का ऑक्सीजन और वाटर के साथ होता है। उसके बाद कुकिंग फूड का बनना, जो पहले रॉ फूड होता है और उसको जब हम कुक करते हैं तो वहाँ पे केमिकल रिएक्शन होता है। और भी काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं, जो बैटरीज हम यूज़ करते हैं रिमोट कंट्रोल्स में, वो बैटरीज के अंदर भी केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं। कर्ड का बनना यानी कि दही का बनना, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। फर्मेंटेशन प्रोसेस, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। यानी कि हमारी डे टू डे लाइफ में काफ़ी सारे ऐसे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे जहां पर केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं। तो ये परसेप्शन अपने माइंड में मत रखिएगा कि जो केमिकल रिएक्शन है वो सिर्फ केमिकल लेबोरेटरीज में होते हैं, वो हमारी डे टू डे लाइफ में भी हो रहे होते हैं। तो चलिए, केमिकल रिएक्शन के बारे में बहुत सारी चीज़ें हो गई, अब केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक को समझते हैं कि केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो पहली
एल्टेस्टिक केमिकल रिएक्शन की ये है कि यहाँ पर गैस का इवोल्यूशन होता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। अब ये कब कब होगा, ये जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा या मेटल कार्बोनेट जो है, मेटल कार्बोनेट जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तब यहां पर गैस रिलीज होगी, या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तब क्या रिलीज होगी यहां पर, तब यहां पर गैस रिलीज होगी। तो मेटल एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो उस केस में यहां पर गैस रिलीज होगी। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं, यहां पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल में हमने क्या लिया है, यहां पर हमारे पास जिंक ग्रैन्यूल्स है, हमारे पास यहां पर क्या है, जिंक के ग्रैन्यूल्स है, यहाँ पे हमारे पास जिंक के ग्रैन्यूल्स है और हमने यहाँ पर एसिड में क्या लिया है, कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लिया है। तो जब सल्फ्यूरिक एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस, कौन सा गैस रिलीज होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। अब हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गया, हम कैसे कंफर्म कर सकते हैं कि ये गैस जो रिलीज हुआ है वो हाइड्रोजन गैस ही है, तो जब हम इस कोनिकल फ्लास्क के पास में कोई एक इग्नाइटिंग सोर्स लेकर आएंगे तो ये गैस जो है वो पॉप साउंड से बर्न होगा। तो हाइड्रोजन गैस का कंफर्मेशन क्या होता है, हाइड्रोजन गैस का कंफर्मेशन ये होता है कि एक पॉप साउंड से बर्न होता है। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक केमिकल रिएक्शन की क्या होगी, पहली कैरेक्टरिस्टिक ये होगी कि केमिकल रिएक्शन के दौरान गैस इवॉल्व हो सकती है। अब चलते हैं दूसरी कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि यहाँ पे प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा। अब बच्चों के मन में एक डाउट आता है, ये वर्ड सुन के प्रेसिपिटेट होता क्या है, और काफी लोगों को प्रेसिपिटेट समझ में नहीं आता कि प्रेसिपिटेट का मतलब क्या है। तो प्रेसिपिटेट का मतलब होता है एक सॉलिड इनसॉल्युबल मास, सॉलिड एक सॉलिड सब्सटेंस जो कि उस सॉल्यूशन में इनसॉल्युबल है, तो सॉलिड इनसॉल्युबल मास, प्रेसिपिटेट क्या होता है, एक सॉलिड इनसॉल्युबल मास होता है। तो अब फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट एक कैरेक्टरिस्टिक है केमिकल रिएक्शन की। अब इसे एक एग्जांपल से समझते हैं, यहां पे हमारे पास दो सॉल्यूशंस है, पहला है लेड नाइट्रेट का और दूसरा क्या है, पोटेशियम आयोडाइड का, दोनों कलरलेस सॉल्यूशन है। जब हम पोटेशियम आयोडाइड को लेड नाइट्रेट में डालेंगे तब आपको उसके बाद आपको यहां पे एक येलो प्रेसिपिटेट देखने को मिलेगा, यहां पर आपको एक येलो प्रेसिपिटेट देखने को मिलेगा जो कि लेड आयोडाइड का होगा। ये रिएक्शन आप प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के नाम से भी आप इसे कह सकते हैं या आप इसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से भी कह सकते हैं। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होगा वो हम बाद में इसके बारे में समझेंगे, अभी हम ये समझते हैं कि एक जो कैरेक्टरिस्टिक केमिकल रिएक्शन की है वो ये भी हो सकती है कि केमिकल रिएक्शन के दौरान प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो सकता है, जैसे कि यहां पर हुआ, एक येलो इनसॉल्युबल सॉलिड मास का फॉर्मेशन हुआ जो कि क्या था, जो कि लेड आयोडाइड था। तो केमिकल रिएक्शन के दौरान प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन भी हो सकता है। अब चलिए इसकी तीसरी कैरेक्टरिस्टिक को समझते हैं कि इसकी तीसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो तीसरी कैरेक्टरिस्टिक इसकी ये है, चेंज इन कलर, यानी कि कलर का चेंज होना केमिकल रिएक्शन के दौरान, किसी भी एक रिएक्टिंग सब्सटेंस के कलर का होना उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम एक कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं केमिकल रिएक्शन की। यहां पे हमने एक टेस्ट ट्यूब में क्या ले रखा है, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट का कलर कैसा होता है, पोटेशियम परमैंगनेट का कलर होता है पर्पल। यहां पे एक सिट्रिक एसिड ले लिया है हमने टेस्ट ट्यूब ए में, सिट्रिक एसिड कलरलेस होता है। जब हम इस सिट्रिक एसिड को इस पर्पल कलर पोटेशियम परमैंगनेट में डालते हैं तो ये पर्पल कलर पोटेशियम परमैंगनेट क्या हो जाता है, ये कलरलेस हो जाता है। तो केमिकल रिएक्शन के दौरान रिएक्टिंग सब्सटेंस का कलर जो है वो भी चेंज हो सकता है। ये थी इसकी तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम बढ़ेंगे चौथी कैरेक्टरिस्टिक, चौथी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। केमिकल रिएक्शन के दौरान टेम्परेचर या तो इंक्रीज हो सकता है या तो डिक्रीज हो सकता है। इंक्रीज होता है वो किस केसेस में होता है, जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है जो हम इस वीडियो में आगे देखेंगे, और डिक्रीज किस केसेस में होता है, जो रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है वो भी हम इस वीडियो के बाद में समझेंगे। तो यहां पे एक एग्जांपल हमने क्या लिया है एक्सोथर्मिक का, जहां पर टेम्परेचर जो है, जहां पर टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो रहा होगा। यहां पर हमने बीकर में क्या ले लिया है, बीकर में हमने वाटर लिया है और वॉच ग्लास में हमने क्विक लाइम लिया है। तो जब हम क्विक लाइम को वाटर में डालेंगे तो होगा क्या, ये क्विक लाइम जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और एक नया सब्सटेंस बनाएगा जिसे हमने क्या कहा, स्लेक लाइम, CaOH होल ट्वाइस। अब यहां पर हीट भी रिलीज होगी और हीट काफी अमाउंट में रिलीज होगी, जिसके कारण ये जो कंटेनर है, ये क्या हो जाएगा, इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा और
ये हॉट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो केमिकल रिएक्शन के दौरान टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है। अब यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज भी हो सकता है, टेम्परेचर डिक्रीज भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है इस कंडीशन पे कि वो एक वो रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। अब चलते हैं केमिकल रिएक्शन की पांचवी कैरेक्टरिस्टिक की तरफ। के पांचवी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो पांचवी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो है चेंज इन स्टेट। यहां पर आपको क्या दिख रहा होगा, एक कैंडल दिख रही होगी, ठीक है। ये कैंडल जब जलेगी तो इसमें क्या जलेगा, इसका वैक्स जलेगा। वैक्स क्या है, सॉलिड है। अब जब वैक्स जलेगा तो क्या रिलीज होगा, CO2 रिलीज होगा और वाटर रिलीज होगा। CO2 की अगर हम बात करते हैं तो CO2 आप सभी को पता है कौन से स्टेट में होता है, गैसियस स्टेट में होता है। वाटर की अगर मैं बात करता हूं तो वाटर कौन से स्टेट में होता है, वाटर लिक्विड स्टेट में होता है। तो जो रिएक्टेंट था वो कौन से स्टेट में था, सॉलिड स्टेट में था। जो प्रोडक्ट था वो कौन से स्टेट में था, गैस और लिक्विड। यानी कि केमिकल रिएक्शन के दौरान हुआ क्या, स्टेट का चेंज हुआ, स्टेट में चेंज हुआ। जो प्रोडक्ट था वो, जो रिएक्टेंट था वो सॉलिड था, जो प्रोडक्ट है वो गैस और लिक्विड है। तो केमिकल रिएक्शन के दौरान जो स्टेट है वो भी चेंज हो सकता है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, हमने केमिकल रिएक्शन की पांच कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ लिया। अब हम चलेंगे कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट किस तरीके से कर सकते हैं। हमने एक चीज देखी कि अगर हमें किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना है तो हमने थोड़ी देर पहले ही देखा कि हम इसे वर्ड फॉर्म में कर सकते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। बट यहां पर एक प्रॉब्लम आ जाती है, जब तीन चार रिएक्टेंट होंगे, दो तीन प्रोडक्ट्स होंगे, उस केस में पूरा रिएक्शन लिखना वो टेडियस हो जाएगा। और एक और यहाँ प्रॉब्लम यह है कि क्लास नाइन्थ में हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा था कि मास कंजर्व होना चाहिए, बट अगर हम वर्ड फॉर्म में लिख रहे हैं तो हम किस तरीके से मास को कंजर्व करेंगे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स के कारण हमने एक सॉल्यूशन ढूंढा, और वो सॉल्यूशन क्या था कि सारे एलिमेंट्स को हम उनके सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे और सारे जो कंपाउंड्स हैं उनको उनके केमिकल फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करेंगे। और ऐसा रिप्रेजेंटेशन जहां पर हम एलिमेंट्स को उनके सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कंपाउंड को उनके केमिकल फॉर्मूले से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसे रिप्रेजेंटेशन को हमने क्या नाम दिया, ऐसे रिप्रेजेंटेशन को हमने नाम दिया केमिकल इक्वेशन। जैसे इस रिएक्शन का था Mg plus O2 gives MgO, मैग्नीशियम का सिंबल Mg, ऑक्सीजन का सिंबल O2 एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, MgO। तो Mg plus O2 gives MgO, ये क्या हो गया, मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है उसका केमिकल इक्वेशन हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां अगर आप देख सकते हैं क्लास नाइन्थ में हमने एक चीज पढ़ी थी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, वो ये कहता है कि किसी भी रिएक्शन के दौरान मास जो है वो कंजर्व रहेगा। यानी कि इससे मैं क्या समझ सकता हूं कि जो भी रिएक्टेंट होंगे उनका मास का अगर सम करेंगे तो वो प्रोडक्ट के मास के बराबर आना चाहिए। क्या मैं सही कह रहा हूं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का क्या मतलब रहेगा कि जो भी रिएक्टेंट का मास होगा उतना ही मास किसका होना चाहिए, प्रोडक्ट का होना चाहिए। यानी कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होने चाहिए। तो इससे मैं ये समझ सकता हूं कि किसी भी एलिमेंट के एटम्स जितने प्रोडक्ट साइड में होंगे उतने ही एटम्स उसके किस साइड होने चाहिए, रिएक्टेंट साइड होने चाहिए। अगर ऑक्सीजन के दो एटम्स रिएक्टेंट साइड है तो दो ही एटम प्रोडक्ट साइड में होने चाहिए। यही मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से समझ रहा हूं। यहां पर मैंने लिस्ट आउट किया है इस रिएक्शन में कितने एटम्स हैं। अगर मैं बात करता हूं मैग्नीशियम के, तो रिएक्टेंट साइड भी एक ही एटम दिख रहा होगा आपको और प्रोडक्ट साइड भी एक ही एटम दिख रहा होगा। बट जब हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो आपको यहां पे तो दो एटम्स दिख रहे हैं रिएक्टेंट साइड में, बट प्रोडक्ट साइड में आपको सिर्फ एक ही एटम दिख रहा है। यानी कि अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन की, तो नंबर ऑफ एटम जो प्रोडक्ट साइड में है और नंबर ऑफ एटम जो रिएक्टेंट साइड में है वो बराबर नहीं है। यानी कि ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। और ऐसी रिएक्शन जहां पे किसी एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड में बराबर नहीं होते हैं, उस रिएक्शन को हम क्या नाम देते हैं, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। वापस से रिपीट कर रहे हैं, ऐसी इक्वेशन जहां पे किसी भी एलिमेंट्स के एटम रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में बराबर नहीं होते हैं, उन रिएक्शन को हम नाम देते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। अब इस चैप्टर में सबसे एक इंपॉर्टेंट जो टॉपिक रहता है वो ये रहता है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। अभी तो ये स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है, यानी कि एलिमेंट्स के जो एटम्स है वो बैलेंस नहीं है, बट हमें इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। और ऐसी इक्वेशन जहां पे एलिमेंट्स के जो एटम्स है दोनों साइड में बराबर होते हैं, उस इक्वेशन को क्या बोलेंगे हम, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जैसे अब यहां पर आप देखेंगे तो प्रोडक्ट साइड में मैग्नीशियम के कितने एटम है, दो। रिएक्टेंट साइड में कितने हैं, दो। ऑक्सीजन के रिएक्टेंट साइड में कितने हैं, दो एटम्स। प्रोडक्ट साइड में कितने हैं, दो एटम्स।
तो आप देखेंगे कि सारे एलिमेंट्स के जो नंबर ऑफ एटम्स है प्रोडक्ट साइड और रिएक्टेंट साइड दोनों बराबर है। तो ऐसी इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो दो टाइप की इक्वेशंस आपने देख ली, एक स्केलेटल एक बैलेंस। अब एक प्रोसेस होगा कि आपको स्केलेटल से बैलेंस की तरफ बढ़ना है, तो कुछ सेट्स ऑफ रूल होंगे, वो सेट्स ऑफ रूल हमें फॉलो करने हैं और आपको बड़े ध्यान से सुनना है, बड़े ही ध्यान से इस रूल्स को सुनना है आपको कि किस तरीके से एक स्केलेटल केमिकल इक्वेशन से हम एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन बना रहे होंगे। पहले मैं आपको एक लॉन्ग मेथड बताऊंगा जो आपके बुक्स में होंगे, ऊपर मैं कमेंट सेक्शन में एक शॉर्ट छोड़ दूंगा, शॉर्ट की एक लिंक छोड़ दूंगा जहां मैंने एक बहुत शॉर्टकट मेथड बताया है जहां डायरेक्टली किसी भी इक्वेशन को देख के बैलेंस कर सकते हैं। तो चलिए पहले लॉन्ग मेथड की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि हमारे अगर एग्जाम में पूछा जाता है 3 मार्क्स में कि बैलेंस करके बताओ, तो हमें पूरा स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा और वो स्टेप बाय स्टेप मेथड ही मैं आपको अभी पहले सिखाऊंगा, ठीक है। चलिए तो पहला स्टेप क्या होगा, देखिए कोई भी केमिकल इक्वेशन आपको दी गई होगी जैसे यहां पे दी गई है, तो पहला स्टेप आपको क्या करना है, आपको एक बॉक्स बना लेना है। या तो आप एक बॉक्स बना सकते हैं या आप अपने माइंड में ही एक इमेजिनरी बॉक्स बना लीजिए। और इस इमेजिनरी बॉक्स का क्या मतलब होगा, इसका ये मतलब होगा कि इसके अंदर की चीजों को आप छेड़ोगे नहीं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ऑक्सीजन के आपको कितने एटम दिख रहे होंगे, 1, यहाँ पे कितने दिख रहे हैं, 4। तो कोई ये मत कर देना कि एक 4 आपने यहां लगा दिया, H2O4। किसी भी कंपाउंड, किसी भी एलिमेंट, किसी भी एटम के केमिकल फॉर्मूले को आप छेड़ोगे नहीं, ठीक है। आपको इस बॉक्स के बाहर ही चेंजेस करने हैं, आपको स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को ही चेंज करना है। यहां पे जो नंबर्स होते हैं उसे स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कहा जाता है। तो एक बात अपने दिमाग में गांठ बांध लो कि हम कभी भी केमिकल फॉर्मूले को नहीं छेड़ेंगे, H2O4 नहीं बनाएंगे, वरना हम सबसे बड़े गधे कहलाएंगे और नंबर भी नहीं मिलेंगे। तो H2O4 नहीं बनाना है, हमें सिर्फ स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को ही चेंज करना है, हमारे हाथ में बस इतनी ही पावर है। तो पहला स्टेप है, अपने माइंड में एक बॉक्स बना लो हर केमिकल फॉर्मूले के अराउंड, या फिजिकल एक बॉक्स बना लो। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हर एक एलिमेंट के कितने एटम्स प्रेजेंट है, रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड दोनों को लिस्ट आउट कर लीजिए, जैसे हमने यहां कर लिया है इस केमिकल इक्वेशन के लिए। ऐसी की अगर हम बात करते हैं तो रिएक्टेंट साइड में 1 एटम है, प्रोडक्ट साइड में 3 एटम है, हाइड्रोजन 2-2 है, 2 रिएक्टेंट एंड 2 प्रोडक्ट साइड में। ऑक्सीजन की अगर हम बात करते हैं तो 1 होगा रिएक्टेंट साइड में और 4 एटम है ऑक्सीजन के प्रोडक्ट साइड में। तो यहां पे 2 एलिमेंट है जो बैलेंस नहीं है, वो है Fe एंड ऑक्सीजन। अब तीसरा स्टेप आपको क्या करना है, आपको वो कंपाउंड आइडेंटिफाई करना है जिसमें सबसे ज्यादा एटम्स प्रेजेंट हो। यहां कितने हैं, यहां तो 1 एलिमेंट 1 एटम ही है, यहां पे 3 है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे 7 एटम्स है और यहाँ पे 2 है। तो कौन सा कंपाउंड आप सिलेक्ट करेंगे, Fe3O4। Fe3O4 में 7 एटम्स हैं। अब आपको इसमें से एक ऐसा एलिमेंट चुनना है जिसके सबसे ज्यादा एटम हो। तो यहाँ पे 2 एलिमेंट्स है, 1 है Fe और दूसरा है ऑक्सीजन। अब Fe के 3 एटम्स है, ऑक्सीजन के 4 एटम्स है, हमें ऐसा एलिमेंट चुनना है जिसके ज्यादा एटम्स प्रेजेंट हो इस कंपाउंड में। तो वो कौन होगा, ऑब्वियसली बात है वो ऑक्सीजन होगा। तो हम सबसे पहले किसको बैलेंस करेंगे, हम सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। तो ऑक्सीजन की अगर हम बात करते हैं, ऑक्सीजन की अगर हम बात करेंगे तो ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड में कितना है, 4, ठीक है। ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड में 4 है, रिएक्टेंट साइड में आपको सिर्फ 1 ही दिख रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं रिएक्टेंट साइड में 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मैं रिएक्टेंट साइड में 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद मेरी केमिकल इक्वेशन क्या बनेगी, Fe+4H2O गिव्स Fe3O4+H2। अब आप देखेंगे ऑक्सीजन यहां भी 4 है, यहां भी 4 है, ठीक है, क्योंकि मैंने क्या किया है, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब इसके बाद एक एलिमेंट बैलेंस हो गया, इसके बाद अब बचे क्या, Fe और हाइड्रोजन। तो अब हम दोनों में से किसी को भी बैलेंस कर सकते हैं। हम पहले किसको बैलेंस करेंगे, हम पहले आयरन को बैलेंस करेंगे, ये आपकी चॉइस है। मैं आयरन के साथ जा रहा हूं, आप हाइड्रोजन के साथ भी जा सकते हैं। तो मैंने यहां पर आयरन को सिलेक्ट किया। आयरन अगर मैं देखता हूं तो प्रोडक्ट साइड में मुझे इसके 3 एटम देखने को मिलते हैं और रिएक्टेंट साइड में मुझे इसका 1 ही एटम देखने को मिलता है। इससे मैं ये समझ रहा हूं कि मुझे रिएक्टेंट साइड में आयरन को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड दोनों ही जगह आयरन के 3-3 एटम मुझे देखने को मिल रहे हैं। अब मेरी केमिकल इक्वेशन है वो इस तरीके से मॉडिफाई हो चुकी है, 3Fe+4H2O गिव्स Fe3O4+H2, ठीक है। अब एक ही एलिमेंट है जो मेरा बैलेंस नहीं है और वो एलिमेंट कौन सा है, वो एलिमेंट है मेरा
हाइड्रोजन। तो अब स्टेप नंबर 5 में हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 5 में हम हाइड्रोजन को बैलेंस कर रहे होंगे। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करता हूं तो प्रोडक्ट साइड में मुझे कितने एटम्स देखने को मिल रहे हैं, 2। रिएक्टेंट साइड में मुझे कितने एटम्स देखने को मिल रहे हैं, 8। तो इसका क्या मतलब है, मुझे प्रोडक्ट साइड में 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने क्या किया, प्रोडक्ट साइड में 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मेरी केमिकल इक्वेशन किस तरीके से मॉडिफाई हो चुकी है, 3Fe प्लस 4H2O Fe3O4 प्लस 4H2। अब आप देखेंगे कि सारे एलिमेंट्स, चाहे वो Fe हो रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में दोनों नंबर ऑफ एटम्स बराबर हैं, चाहे हाइड्रोजन हो, दोनों के 8-8 है, 8 रिएक्टेंट साइड 8 प्रोडक्ट साइड। ऑक्सीजन की अगर हम बात करेंगे तो रिएक्टेंट साइड 4 एटम्स है और प्रोडक्ट साइड भी 4 एटम्स है। अब आप यहां से देखेंगे तो हर एक एलिमेंट के जो नंबर ऑफ एटम्स है दोनों साइड, रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड, दोनों ही नंबर सेम है। तो ऐसे केमिकल इक्वेशंस को हम क्या कहेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहेंगे। अब एक एडिशनल स्टेप यहां पर क्या आ जाता है कि आप यहां पे एरो के ऊपर क्या मेंशन कर सकते हैं, रिएक्शन की कंडीशन मेंशन कर सकते हैं, रिएक्शन की कंडीशन मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि कितने टेम्परेचर में रिएक्शन हो रही है, किस प्रेशर पे रिएक्शन हो रही है, कौन सा कैटलिस्ट आपने यूज किया है, कौन सा प्रोमोटर आपने यहां यूज किया है। तो ये सारी चीजें आप यहां पे एरो के ऊपर मेंशन कर सकते हैं, जो इसकी इंफॉर्मेशन बढ़ाता है, ठीक है, इसको और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाता है, ठीक है। तो अब यहां पर आपको बैलेंस कैसे करना है, सारे रूल समझ में आ गए। अब यहां पर आपको आई बटन में एक शॉर्ट का लिंक मिल जाएगा, इस शॉर्ट में हमने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई है। इस शॉर्ट ट्रिक से सबसे फास्टेस्ट तरीके से आप किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। अगर 1 मार्क्स का पूछा है कि डायरेक्ट बैलेंस करना है, तो इससे फास्ट मेथड आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो आप शॉर्ट को जाके देख सकते हैं, यहां आई बटन में मैंने लगा दिया है। देखिए, अब तक हमने क्या पढ़ लिया, अब तक हमने ये समझा कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, उसके बाद हमने केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स को समझा, उसके बाद केमिकल इक्वेशन को जाना और केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, यानी कि स्केलेटल केमिकल इक्वेशन से बैलेंस केमिकल इक्वेशन की तरफ किस तरीके से बढ़ा जाता है उस प्रोसेस को समझा, वो 4-5 स्टेप्स को जाना, ठीक है, फिर किसी भी केमिकल इक्वेशन को और इन्फॉर्मेटिव कैसे बनाते हैं लास्ट में हमने वो देखा। अब यहां से जो है, अब एक नया पार्ट शुरू हो रहा है। इस पार्ट में हम समझेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि कितने टाइप्स के केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो बेसिकली हम यहां पर 5 टाइप के केमिकल रिएक्शन को कवर कर रहे होंगे। सबसे पहले हम कवर कर रहे होंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन को। देखिए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, क्योंकि इसी पार्ट से क्वेश्चन अक्सर इस चैप्टर से पूछा जाता है, चाहे वो केमिकल रिएक्शन के ऊपर पूछ लिया जाए कि ये केमिकल रिएक्शन कौन सा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन है, डिकम्पोजिशन है, डबल डिकम्पोजिशन है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट है, या रेडॉक्स रिएक्शन है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा फोकस देना पड़ेगा। और अगर आपको कोई डाउट आ रहा है थ्रू आउट इस सीरीज में, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट में अगर आपको डाउट आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को लिख दीजिए, तो मैं सबसे जल्दी आपके आंसर का रिप्लाई करूंगा। एंड एक और चीज आप कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, आप मुझे लिंक्डइन पे भी फॉलो कर सकते हैं, एंड आप मुझे कोई भी डाउट हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। सारी चीज मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ताकि एक कम्युनिकेशन जो है वो आसान हो जाए। और अगर आप चाहते हैं कि एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया जाए या एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया जाए, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं वो सारी चीजें अपडेट करवा दूंगा, ठीक है। तो चलिए, अब वापस से यहां पर आते हैं, फोकस अपना टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में डालते हैं। पहली केमिकल रिएक्शन जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन नाम से आपको क्या समझ में आ रहा है, नाम से तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि यहां पर कॉम्बिनेशन हो रहा होगा, यानी कि कुछ चीजें कंबाइन हो रही होगी। तो यहां पर हमने क्या लिया है, यहां पर हमने बीकर में वॉटर लिया है और वॉच ग्लास में हमारे पास क्विक लाइम है। तो जैसे ही हम क्विक लाइम यानी कि CaO कैल्शियम ऑक्साइड को वॉटर में डालेंगे, तो हमने बताया था यहां पर एक नया सब्सटेंस बनेगा जिसको हमने कहा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेक्ट लाइम। इसे हमने क्या कहा, स्लेक्ट लाइम, और यहां पर हीट भी रिलीज हुई। तो ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। बट अभी फोकस आप ये देखिए कि यहां पर क्या हुआ, 2 सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं और एक सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं। तो यही कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऐसे रिएक्शंस को कहा जाता है जहां पे 2 सब्सटेंस या 2 से ज्यादा सब्सटेंस रिएक्ट करके एक सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन को अगर आपको आइडेंटिफाई करना है, तो आप रिएक्टेंट साइड में देखेंगे तो 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस आपको नजर आ रहे होंगे, बट प्रोडक्ट साइड में आपको एक सिंगल सब्सटेंस ही नजर आ रहा है।
रहा होगा। ऐसे ही रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन होते हैं। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं, एक्सोथर्मिक होते हैं। कैसे होते हैं? एक्सोथर्मिक होते हैं। अब एक्सोथर्मिक क्या होता है वो हम थोड़ी देर बाद समझेंगे। यहाँ कुछ और एग्जाम्पल्स जो हैं वो हम देखते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन के कुछ और एग्जाम्पल्स को हम समझते हैं। पहला जो एग्जाम्पल है वो क्या है, बर्निंग ऑफ कोल, यानी कि कार्बन का जलना। कार्बन को जब हम जलाते हैं एयर की प्रेजेंस में तो क्या करता है, कार्बन जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्या बनाता है, CO2 गैस रिलीज करता है। यहां आप देख सकते हैं, गौर करने वाली बात है कि रिएक्टेंट साइड में आपको कितने सब्सटेंस दिख रहे होंगे, 2। प्रोडक्ट साइड में आपको कितने सब्सटेंस दिख रहे होंगे, 1। यही तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की शर्त थी कि रिएक्टेंट साइड में 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस होंगे, प्रोडक्ट साइड में आपको 1 ही सब्सटेंस देखने को मिलेगा। फिर अगर हम वाटर के फॉर्मेशन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस कंबाइन करके हमें क्या देती है, वाटर देती है। अब यहाँ भी आप देख सकते हैं रिएक्टेंट साइड में कितने सब्सटेंस देखने को मिल रहे हैं, 2। प्रोडक्ट साइड में कितने सब्सटेंस देखने को मिल रहे हैं, 1। ठीक है, तो यही कॉम्बिनेशन रिएक्शन की शर्त भी थी। तीसरा एग्जाम्पल जो है वो है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होती है MgO बनाती है। ठीक है, तो ये रिएक्शन में एक शॉर्ट भी बना हुआ है इसका, एक एक्सपेरिमेंटल, वो भी मैं आपको डाल दूंगा, वो आप देख सकते हैं, आई बटन पे आ जाएगा। ठीक है, यहां भी आप देख सकते हैं कि 2 सब्सटेंस रिएक्ट कर रहे हैं, सिंगल सब्सटेंस बना रहे हैं। तो यहां तो सारे 2 ही सब्सटेंस है, ऐसे भी रिएक्शन होंगे जहां 2 से ज्यादा सब्सटेंस रिएक्ट कर रहे होंगे, 3 सब्सटेंस रिएक्ट कर रहे होंगे, 4 सब्सटेंस रिएक्ट कर रहे होंगे एंड 1 सिंगल सब्सटेंस बना रहे होंगे। ऐसे रिएक्शन को हमने क्या नाम दे रखा है, ऐसे रिएक्शन को हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन नाम दे रखा है। चलिए अब बात करते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। जब हमने स्लेट लाइन वाला जो केमिकल इक्वेशन देखा था, उस केमिकल इक्वेशन में प्रोडक्ट साइड में मैंने प्लस हीट करके एक चीज लिखी थी। प्लस हीट करके उसका मतलब क्या है कि प्रोडक्ट के साथ साथ वहां पर हीट भी रिलीज हो रही है। अब ऐसे रिएक्शन एक्सोथर्मिक, थर्मिक यानी कि टेम्परेचर, ऐसे रिएक्शन जहां पर हीट रिलीज हो रही हो, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा हो, ऐसे रिएक्शन को हमने क्या नाम दिया, ऐसे रिएक्शन को हमने एक्सोथर्मिक रिएक्शन नाम दिया। अब जरूरी नहीं है सारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऐसा जरूरी नहीं है कि एक्सोथर्मिक होता है। यूजुअली ऐसा होता है कि सारे ही कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक होते हैं, बट कुछ एक्सेप्शन है, यहाँ पे एक शॉट डाल दूंगा, आपको पता चल जाएगा कौन से ऐसे एक्सेप्शन हैं जो एक्सोथर्मिक नहीं होते हैं। बट अब वापस एक्सोथर्मिक पे आते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते क्या है, ऐसे रिएक्शंस जिनमें हीट रिलीज हो रही हो, प्रोडक्ट के साथ साथ वहां पर हीट भी उत्पन्न हो रही हो, ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहेंगे। कुछ 2-3 एग्जांपल्स हमने देख लिए। अब एक और एग्जांपल क्या होगा, मीथेन का कंबशन, हाइड्रोकार्बन्स के जितने भी कंबशन प्रोसेस होंगे, चाहे वो CH4 हो गया, चाहे वो C2H6 हो गया, इन सबका मीथेन हो, इथेन हो, इन सबके कंबशन के बाद आपको CO2 और वाटर के साथ साथ वहां पर हीट भी रिलीज मिलेगी, टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा होगा, तो ऐसे रिएक्शन क्या हो जाएंगे, एक्सोथर्मिक हो जाएंगे। रेस्पिरेशन, हमारी बॉडी के अंदर जो फूड हम डालते हैं वो फूड क्या होता है, डाइजेस्ट होता है, मोस्ट ऑफ उसके अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, तो कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, सिंपलर सब्सटेंस जैसे ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये ग्लूकोज क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन होता है उस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाता है, और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर CO2 और H2O के साथ एनर्जी भी रिलीज करता है, और यही एनर्जी खाने के बाद जो हमें एनर्जी मिलती है वो एनर्जी कहां से मिलती है, इसी केमिकल रिएक्शन से मिलती है। तो हमारी बॉडी के अंदर भी आप देख सकते हैं कि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है। यानी कि हम कहते हैं ना कि केमिकल रिएक्शन सिर्फ लैब में हो रही होती है, ऐसा नहीं है यार, ये देखो बॉडी के अंदर भी केमिकल रिएक्शंस हो रही होती है। ठीक है, अब वेजिटेबल मैटर का जो डिकम्पोजिशन होता है, कंपोस्ट, जिससे कंपोस्ट हमें मिलता है, वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, जो वेजिटेबल मैटर्स होता है जिनका डिकम्पोजिशन होने के बाद हमें कंपोस्ट मिलता है, वो भी कौन से रिएक्शन में आता है, किस कैटेगरी में आता है, वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन की कैटेगरी में आता है। यहां पर हमने एक रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन को कवर किया और एक एस्पेक्ट एक्सोथर्मिक रिएक्शन को भी कवर कर लिया। अब इसके बाद हम चलते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। देखिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हमने पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस रिएक्ट करेंगे, 1 सिंगल सब्सटेंस बनाएंगे। अब अगर मैं कहूं कि कॉम्बिनेशन आपको याद हो गया और कॉम्बिनेशन का उल्टा कर दो, तो आपका जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है उसका भी आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने क्या कहा, अगर कॉम्बिनेशन आप समझ लिए हो तो कॉम्बिनेशन के कंसेप्ट को रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो। हमने क्या पढ़ा था, 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस रिएक्टेंट साइड में होना चाहिए, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में उल्टा होगा तो ये 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस प्रोडक्ट साइड में आ जाएंगे और 1 सिंगल सब्सटेंस रिएक्टेंट साइड में आ जाएगा। इससे मैं क्या समझ रहा हूं कि 1 सिंगल सब्सटेंस
टूटेगा और दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस बनाएगा, यही डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। डीकम्पोज नाम से पकड़ो उसको, डीकम्पोजिशन, डीकम्पोज होना, यानी कि एक सिंगल सब्सटेंस दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस में टूट रहा है। अब अगर कोई भी चीज टूट रही है, मान लीजिए आपके पास एक लकड़ी है, तोड़ने के लिए क्या लगानी पड़ेगी? ताकत। तो जब भी आप इसको अगर मैं तोड़ना चाहूं तो कैसे तोड़ूंगा? ताकत लगा के। खैर ये तो एप्पल पेंसिल है, इसको तोड़ूंगा नहीं, बट किसी भी चीज को अगर आप तोड़ोगे तो आपको क्या लगानी पड़ेगी? एनर्जी लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो इस केस में भी आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी और एनर्जी आप डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में लगाएंगे। तो इसी से तीन डिफरेंट टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपको पढ़नी है, जो कि डिपेंड करती है कि आप एनर्जी किस फॉर्म में लगा रहे हैं। अगर एनर्जी आप हीट के फॉर्म में लगा रहे हैं तो वो हो जाएगा आपका थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर एनर्जी आप लाइट के फॉर्म में लगा रहे हैं तो वो हो जाएगा आपका फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर एनर्जी आप करंट के फॉर्म में लगा रहे हैं तो वो हो जाएगा आपका इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो तीन फॉर्म ऑफ एनर्जी, तीन टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो सबसे पहले हम कवर कर रहे होंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि अगर आपको किसी भी रिएक्टेंट को डिकम्पोज करना है तो उसके लिए जो एनर्जी होगी आप हीट के फॉर्म में दे रहे होंगे। किस फॉर्म में दे रहे होंगे? हीट के फॉर्म में दे रहे होंगे। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट है, जब हमने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया तो हमें क्या मिला प्रोडक्ट में? कैल्शियम ऑक्साइड मिला एंड CO2 गैस मिली। हमें क्या मिला? कैल्शियम ऑक्साइड मिला एंड CO2 गैस मिली। यहां आप देख सकते हैं कि एक सिंगल सब्सटेंस है वो टूट के दो सब्सटेंस बना रहा है। तो यहां पे जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का क्राइटेरिया था कि रिएक्टेंट साइड में एक ही आपके पास सब्सटेंस होना चाहिए, प्रोडक्ट साइड में दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं, तो ये क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है। यहां पर आप एक और चीज देख सकते हैं कि जो एनर्जी प्रोवाइड की गई है इस कैल्शियम कार्बोनेट को, वो एनर्जी किस फॉर्म में दी गई है? हीट के फॉर्म में दी गई है। इसलिए इस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन को हमने क्या नाम दिया? हमने इसका नाम दिया थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल हीट प्रोवाइड करेंगे और डिकम्पोजिशन कराएंगे, तो वैसे रिएक्शन को हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के नाम से जानेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं कि थर्मल डिकम्पोजिशन के और क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं। तो पहला यहाँ होगा पोटेशियम क्लोराइड, यानी कि KClO3 का डिकम्पोजिशन। जब हम KClO3 को हीट करेंगे तो हमें पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन मिलेगा, ऑक्सीजन गैस हमें वहां मिल रहा होगा। डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड जो सॉल्ट होगा उसको हम हीट कर रहे होंगे। अगला जो एग्जांपल है वो है फेरस सल्फेट, ग्रीन कलर का फेरस सल्फेट होता है। इसे जब हम हीट करेंगे तो हमें Fe2O3 मिलेगा, SO2 गैस मिलेगी और SO3 गैस मिलेगी, यानी कि यहाँ पर दो गैसेस रिलीज हो रही हैं, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, एंड एक सॉलिड सब्सटेंस मिल रहा है जिसे हम Fe2O3 कहेंगे। वो ग्रीन कलर का सब्सटेंस है, हीट करते हैं तो वहां पर आपको कलर चेंज देखने को भी मिलेगा। अब होगा डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट, ये है हमारा तीसरा एग्जांपल। यहाँ पे लेड नाइट्रेट को जब हम हीट करेंगे तो डिकम्पोज हो गए, हमें लेड ऑक्साइड, NO2 गैस एंड ऑक्सीजन गैस मिल रही होगी। ये सारी एग्जांपल में अगर आप देखेंगे तो रिएक्टेंट साइड में आपको एक सब्सटेंस देखने को मिलेगा, प्रोडक्ट साइड में आपको दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे मैक्सिमम हमें कितने देखने को मिला? तीन देखने को मिला, चार भी हो सकते हैं, ऐसे भी एग्जांपल्स होंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ कौन सा रिएक्शन अभी तक कंप्लीट कर लिया है? थर्मल डिकम्पोजिशन हमने अभी कंप्लीट कर लिया है। अब हम बढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन की ओर। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हम एनर्जी के फॉर्म में प्रोवाइड कर रहे थे, हीट के फॉर्म में प्रोवाइड कर रहे थे। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन नाम से समझ में आ रहा है कि एनर्जी के फॉर्म में हम प्रोवाइड कर रहे होंगे, इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में प्रोवाइड कर रहे होंगे। इसका सबसे बढ़िया जो एग्जांपल है वो है वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस। एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल हमने ले लिया, यहां दो टेस्ट ट्यूब्स हमने लगा दी, दो इलेक्ट्रोड से इसे कनेक्ट, दो इलेक्ट्रोड को बैटरी के दो टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। तो यहां पर क्या होगा, एक जो आपका इलेक्ट्रोड होगा वहां पर आपका ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही होगी, और एक जो आपका इलेक्ट्रोड होगा वहां आपकी कौन सी गैस रिलीज होगी? हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही होगी। इसका केमिकल रिएक्शन क्या होगा? वाटर का जब डिकम्पोजिशन होगा, जब आप वहां करंट पास करेंगे तो वहां पर हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही होगी। बहुत बेहतरीन में आप इसको क्लास 12th में पढ़ लेंगे या क्लास 11th में पढ़ लेंगे, बट अभी आपको बस इतना समझना है कि वाटर में जब आप करंट पास करेंगे तो यहाँ पे आपको दो गैस देखने को मिलेगी, दो गैस रिलीज होगी। पहली गैस जो होगी वो है हाइड्रोजन गैस, पहली गैस जो होगी वो है हाइड्रोजन गैस, और दूसरी गैस जो होगी वो है
ऑक्सीजन गैस। यहाँ पे ये देखने की बात है कि जितना वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस आपको मिलेगा उसका दुगना वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस आपको मिल रहा होगा, ठीक है। क्यों? आप यहाँ केमिकल इक्वेशन से समझ सकते हैं, ठीक है। तो जब H2O का डिकम्पोजिशन होगा, जब आप इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, तो आपको एक इलेक्ट्रोड में ऑक्सीजन मिलेगा और एक इलेक्ट्रोड में आपको क्या मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा, ठीक है। एक कैथोड में आपको एक गैस मिल रही होगी, एनोड में आपको एक गैस मिल रही होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन के, जैसे सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस। सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl, ठीक है, हमने उसे लिक्विड फॉर्म एक्वस फॉर्म में ले लिया। जब इसको डिकम्पोज करेंगे तो एक इलेक्ट्रोड में हमें सोडियम मिल रहा होगा, एक इलेक्ट्रोड में हमें क्लोरीन गैस मिलती हुई दिख रही होगी। अब ये भी होता ना कि यार कौन से इलेक्ट्रोड में कौन सा प्रोडक्ट मिल रहा होता है, वो कैसे डिसाइड होता है, ये सारी चीजें हम क्लास 12 में चैप्टर सेकेंड जो है अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, उसमें ये सारी चीजें कवर करेंगे। बस अभी के लिए हमें ये याद रखना है कि जब NaCl का जो एक्वस सॉल्यूशन होगा उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी अगर पास करेंगे तो वहां पे सोडियम जो है वो एक इलेक्ट्रोड में डिपॉजिट हो रहा होगा और क्लोरीन गैस जो है वो एक इलेक्ट्रोड पे आपको मिल रही होगी। ग्रीन कलर की गैस होती है वो आपको एक इलेक्ट्रोड में मिल रही होगी। एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं, वो क्या होगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का डिकम्पोजिशन। जब इलेक्ट्रिक करंट आप एल्यूमिनियम ऑक्साइड के एक्वस सॉल्यूशन से पास करेंगे तो आपको एक इलेक्ट्रोड पे एल्यूमिनियम मिल रहा होगा और एक इलेक्ट्रोड पे आपको कलरलेस ऑक्सीजन गैस मिल रही होगी। तो ये कौन सा रिएक्शन था, ये था इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन जहां पे डिकम्पोजिशन आपने करंट पास करके करवाई, ठीक है। अब तीसरी रिएक्शन में आप एनर्जी के फॉर्म में प्रोवाइड कर रहे होंगे, आप एनर्जी लाइट के फॉर्म में, किस फॉर्म में प्रोवाइड कर रहे होंगे, लाइट। अब तक हमने क्या देखा था, हीट देख लिया, उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट देख लिया, अब हम क्या देख रहे हैं, हम लाइट के फॉर्म में लाइट के फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं डिकम्पोजिशन होने के लिए। यहां पर हमने क्या ले लिया है, AgCl। ये AgCl किस कलर का है, व्हाइट कलर का है। जब यहां से सनलाइट इसके ऊपर आएगी, सनलाइट इसके ऊपर गिरेगी, तो ये व्हाइट कलर का AgCl डिकम्पोज होके ग्रे कलर का Ag बनाएगा और वहां पर क्लोरीन गैस पे रिलीज हो रही होगी। तो इस रिएक्शन में आप देख रहे होंगे कि जो व्हाइट कलर का AgCl है वो ग्रे बन जाएगा। क्यों? वहां पर सिल्वर का फॉर्मेशन हो रहा है, साथ ही साथ क्लोरीन गैस का भी फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस रिएक्शन में आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो एनर्जी है वो हमने किस फॉर्म में प्रोवाइड की है, वो लाइट के फॉर्म में प्रोवाइड की है। आप इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यूवी से भी हम लाइट को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि अगर डिकम्पोजिशन होने के लिए हम एनर्जी लाइट के फॉर्म में दे रहे हैं तो ऐसी केमिकल रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कुछ और एग्जांपल इसके देख लेते हैं, जैसे सिल्वर ब्रोमाइड का डिकम्पोजिशन होगा, AgBr। जब इसे डिकम्पोज करेंगे तो वहां सिल्वर मिल रहा होगा और वहां पर ब्रोमीन गैस भी रिलीज हो रही होगी, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन आपसे है, इस रिएक्शन का डेली लाइफ में किस चीज में यूज होता है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और नहीं आ रहा है तो भी कमेंट सेक्शन में आके पूछिए कि क्या होगा इसका आंसर। कमेंट सेक्शन को एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन बनाइए। देखिए, इस सीरीज में अगर आपको मैक्सिमम बेनिफिट देखना है कि कैसे मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा, तो आपको इस सीरीज को एकदम प्रॉपर तरीके से एक पैसिव कम्युनिकेशन रखना होगा कि मैं कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूं, आप आके उनके आंसर्स दे रहे हैं, या आप कुछ क्वेश्चन अपने डाउट्स पूछ रहे हैं, या कुछ और चीजें हैं, कुछ और हेल्प आपको चाहिए तो वो आप वहां आके पूछ रहे हैं मुझसे, एंड मैं इमीडिएटली उसका रिस्पॉन्स दे रहा हूं। तो इस तरीके से जब टू वे कम्युनिकेशन करके हम चलेंगे तो एट द एंड जब आपका रिजल्ट आएगा तो वहां पर आपका जो सपना होगा, आपका जो ड्रीम होगा 90-95 लाने का, वो ड्रीम पूरा हो रहा होगा। बट अगर आप ये सोच रहे हो ना कि यार ये वीडियो देख लेता हूं उसके बाद मैं कुछ नहीं करूंगा चलेगा, समझ, ऐसा नहीं होगा। वीडियो देखने के बाद आपकी मेमोरी में थोड़े टाइम के लिए वो चीज सेव हो जाएगी, बट अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो इसलिए रिकमेंडेड है कि वीडियो देखने के बाद आप पहले तो खुद के नोट्स बना लीजिए, और एक बार NCERT रीड करने के बाद अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो फिर सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो ये सारी चीजें जो स्टेप्स हैं आपको फॉलो करने हैं। देखिए, मैं जो स्ट्रेटेजिक वीडियोस बनाता हूं आपको बोलता भी रहता हूं कि ऐसा करो, फिर यार रियलाइज हुआ कि चलिए हम बोलते हैं कि यार तुम वन शॉट पढ़ो, तो मैंने सोचा कि एक सीरीज बनाते हैं जहां हम वन शॉट भी पढ़ा रहे होंगे, जो हम बोल रहे हैं वो हम करवा भी रहे हैं। तो इसलिए कह रहा हूं कि अब आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन को एक एक्टिव मोड ऑफ कम्युनिकेशन बनाइए। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में आके पूछिए, कोई भी आपको रिस्पांस या कोई भी आपकी चीजें हैं जो आपको एक्सप्रेस करनी है, कोई डाउट है या कोई नई डिमांड है, तो वो भी आप आकर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।
ठीक है, आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, वहां भी आपको रिस्पॉन्स जल्दी देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन की ओर। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं? यहाँ पर एक चीज आपने ऑब्जर्व की कि सब केमिकल रिएक्शन के होने के लिए हमने क्या एक चीज प्रोवाइड की, उसी के बाद केमिकल रिएक्शन हो रही थी, हमने वहां पे एनर्जी प्रोवाइड की। वो एनर्जी हीट के फॉर्म में हो सकती थी, लाइट के फॉर्म में हो सकती थी, इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में हो सकती थी, बट वो केमिकल रिएक्शन हुई क्यों? क्योंकि वहां हमने क्या प्रोवाइड किया, वहां पे हमने एनर्जी प्रोवाइड की, और एनर्जी प्रोवाइड करने के बाद ही वहां केमिकल रिएक्शन हुआ। ठीक है, तो अब कुछ ऐसे एग्जांपल्स लेते हैं जहां पर हमने एनर्जी प्रोवाइड किए, कुछ हमने ले लिए, कुछ और लेते हैं। अब इस रिएक्शन को जहां पर हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, उन रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं वो एंडोथर्मिक होते हैं, बट ऐसा कंपलसरी नहीं है, केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट एक्सेप्शंस। तो यहाँ पे भी कुछ एक आध ऐसे रिएक्शन हैं जहां पर जरूरी नहीं कि आपके डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक हो। ठीक है, अब कुछ एंडोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे रियल लाइफ में हमारा होता है फोटोसिंथेसिस, ठीक है, रियल लाइफ में हमारा होता है फोटोसिंथेसिस, जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है, और वहां पे ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं। यहाँ पे आप क्या प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे आप सनलाइट, ठीक है, एनर्जी किस फॉर्म में प्रोवाइड कर रहे होते हैं, सनलाइट के फॉर्म में प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, आइस का मेल्ट होना, आइस कौन से शेड में होता है, सॉलिड शेड में, अगर आप बाहर रख दोगे तो क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा, स्टेट चेंज हुआ सॉलिड से लिक्विड। यहाँ कैसे चेंज हुआ, उसने ना एनवायरमेंट से जो सराउंडिंग है उस सराउंडिंग से वो हीट क्या की, एब्जॉर्व कर ली, और उसका जो स्टेट है वो चेंज हो गया। स्टेट चेंज होने के लिए उसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन देना पड़ेगा, और वो उसने सराउंडिंग से ले लिया, इसलिए आइस जो है वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। तो ये भी एक एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। एक और हो सकता है हाइड्रोजन परोक्साइड, क्लास 11th में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इसे ब्राउन बोतल में क्यों रखते हैं, इसलिए रखते हैं क्योंकि सनलाइट के प्रेजेंस में ये डिकम्पोज हो जाता है, और डिकम्पोज होकर वाटर और ऑक्सीजन रिलीज करता है। तो यहाँ सारे रिएक्शन में हमने ये देखा कि हीट प्रोवाइड हुई उन रिएक्शन, तो इन रिएक्शंस को जहां हम हीट प्रोवाइड कर रहे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है, चलिए ये चीज भी क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, नाम से आपको क्या समझ में आ रहा है, नाम से ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कोई चीज किसी दूसरी चीज को डिस्प्लेस कर रही होगी। तो ऐसे रिएक्शंस जहां पे एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के एटम को उसके कंपाउंड से लात मार के भगा रहा होगा, ऐसे रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कह रहे होंगे। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या होगा, ऐसे केमिकल रिएक्शन जहां पे एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उसके कंपाउंड से निकाल रहा होगा। तो ऑफकोर्स की बात है, अगर कोई एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उसके कंपाउंड से निकाल रहा होगा तो वो उससे ज्यादा रिएक्टिव होगा। अब कौन सा एलिमेंट किससे ज्यादा रिएक्टिव है, ये तो हमें रिएक्टिविटी सीरीज से समझ में आएगा। रिएक्टिविटी सीरीज हमारे टेक्स्ट बुक में चैप्टर नंबर 3 यानी कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में दी गई है, तो हम वहां डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बस आपको इतना समझना है, अगर मैं कह रहा हूं कि जिंक कॉपर से रिएक्टिव है तो आपको ये याद रखना है कि ठीक है, जिंक जो है वो कॉपर से रिएक्टिव होगा, तो जिंक कॉपर को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकता है। तो यहां पे हमने क्या ले रखा है, बीकर में कॉपर सल्फेट ले रखा है, और उसमें हमने आयरन की एक स्ट्रिप डाल रखी है। तो कुछ देर के बाद आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो कलर है ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट, वो अब एक ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो चुका है। क्यों हो चुका है, क्योंकि अब FeSO4 का फॉर्मेशन हो गया है। इस Fe ने क्या किया, इस कॉपर को कॉपर सल्फेट में से निकाला और वहां पे क्या बना दिया, वहां पर Fe बना दिया, FeSO4 बना दिया। ठीक है, ये था कॉपर का आयन, ये था सल्फेट आयन। ठीक है, ये दोनों आपस में अट्रैक्टेड थे, जहां से आयरन आया ऐसे घूम के इस कॉपर को लात मारी, और आयरन का जो Fe2+ आयन होगा वो सल्फेट आयन के साथ अट्रैक्ट हो गया। ठीक है, एक था, दो लोगों का अच्छा रिलेशनशिप चल रहा था, बीच में एक आया सौतन, उसको आके लात मारा, और अब नया रिलेशन वहां पर बन चुका है। ठीक है, तो अगर कोई पावरफुल बंदा है तो वो आराम से रिलेशन से बाहर निकाल देगा।
तो रिलेशन से बाहर निकालने के लिए क्या जरूरी होता है कि वो बंदा पावरफुल होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए। हमारे केस में हम ये समझेंगे कि वो ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, तभी वो सौतन बन के आएगा और उस रिलेशनशिप में दरार डालेगा और नई एक अच्छी रिलेशनशिप बना लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ क्या, जब हमने आयरन की स्ट्रिप कॉपर सल्फेट में रखी तो ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट ग्रीन कलर का हो गया, क्योंकि वहां पर क्या बन गया, क्योंकि वहां पर FeSO4 का फॉर्मेशन हुआ। और आपको यहाँ पे एक कोटिंग देखने को मिलेगी आयरन की स्ट्रिप के ऊपर, और वो कोटिंग किसकी होगी, वो कोटिंग होगी कॉपर की, वो कोटिंग किसकी होगी, कॉपर की होगी। ठीक है, तो यहां से मुझे तो इतना ही समझ में आ रहा है कि अगर एक एलिमेंट वो रिएक्टिव होगा दूसरे एलिमेंट से, तो वो उस एलिमेंट को उसके कंपाउंड से निकाल देगा, जैसे आयरन ने कॉपर को उसके कंपाउंड में से निकाल दिया। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, यहां पर जिंक जो है, जिंक ने कॉपर को कॉपर सल्फेट से निकाला और क्या बनाया, जिंक सल्फेट, और जो जिंक की स्ट्रिप होगी उस पे आपको कॉपर की कोटिंग देखने को मिलेगी। एक और एग्जांपल देखते हैं, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम भी कॉपर सल्फेट में से कॉपर को निकाल देगा, क्या बनाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट, और कॉपर का डिपोजिशन होगा मैग्नीशियम स्ट्रिप पे। अगर हम लेड को कॉपर क्लोराइड में डालेंगे तो वहां लेड क्लोराइड बनेगा PbCl2, और कॉपर की कोटिंग आपको किस पे देखने को मिलेगी, लेड पे देखने को मिलेगी। यानी कि यहां से मुझे तो ये समझ में आ रहा है ना कि कॉपर यार बहुत कम रिएक्टिव है, जिंक उससे ज्यादा रिएक्टिव है, आयरन उससे ज्यादा रिएक्टिव है, मैग्नीशियम उससे ज्यादा रिएक्टिव है, लेड भी उससे ज्यादा रिएक्टिव है, यानी कि कॉपर सबसे कम रिएक्टिव होगा। कोई भी मेटल को अगर आप डालोगे उसके सॉल्यूशन में तो वो एलिमेंट कॉपर को उसके सॉल्यूशन से निकाल देगा, स्ट्रिप पे आपको कॉपर की कोटिंग देखने को मिलेगी एंड सॉल्यूशन का कलर भी वहां पर चेंज हो रहा होगा। तो ऐसे रिएक्शन जहां पर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उसके कंपाउंड से बाहर निकाल देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया, अब नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं, वो क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब इस रिएक्शन को क्या कहेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा था, एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, एक आया इसको डिस्प्लेस कर दिया। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दो कंपाउंड्स रिएक्ट कर रहे होंगे एंड इन दो कंपाउंड्स में आयन का आदान प्रदान हो रहा होगा। किसका आदान प्रदान हो रहा होगा, आयन्स का आदान प्रदान हो रहा होगा, और इस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है, जैसा हमने स्टार्टिंग एक एग्जाम्पल में देखा, वही एग्जाम्पल हम यहां लेने वाले हैं, लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड। लेड नाइट्रेट जब पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पे दो आयन्स का लेन देन हो रहा होता है, एक आयन होता है नाइट्रेट आयन, और दूसरा जो आयन होता है वो आयन होता है कौन सा आयन, आयोडाइड आयन। नाइट्रेट आयन जो है वो लेड से पोटेशियम के पास जाता है और पोटेशियम नाइट्रेट बनाता है, और आयोडाइड आयन जो है वो पोटेशियम से लेड के पास जाता है और येल्लो कलर का एक लेड आयोडाइड का प्रेसिपिटेट बनाता है। तो ऐसे केमिकल रिएक्शन जहां पर आयन्स का आदान प्रदान हो रहा हो कंपाउंड्स के बीच में, उन रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, उन रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अब कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। जब सिल्वर नाइट्रेट का सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन हो रहा हो तो यहां पर क्लोराइड आयन और नाइट्रेट आयन का आदान प्रदान होगा। क्लोराइड आयन सोडियम से सिल्वर के पास जाएगा और AgCl बनाएगा, और नाइट्रेट आयन जो होगा वो सिल्वर से सोडियम के पास जाएगा और सोडियम नाइट्रेट बना रहा होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, बेरियम क्लोराइड का सोडियम सल्फेट के साथ, सल्फेट आयन एंड क्लोराइड आयन का आदान प्रदान होगा। क्लोराइड आयन बेरियम से किसके पास चला जाएगा, सोडियम के पास, और सोडियम क्लोराइड बनाएगा। ठीक है, सल्फेट आयन सोडियम से बेरियम के पास जाएगा और बेरियम सल्फेट बना देगा। ठीक है, अब बेरियम क्लोराइड का कॉपर सल्फेट के साथ, ये भी एक एग्जांपल है डबल डिस्प्लेसमेंट या हम कहेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का। ठीक है, यहां पर सल्फेट आयन कॉपर से बेरियम के पास बेरियम सल्फेट बना लेता है, क्लोराइड आयन जो है वो भाग जाता है किसके तरफ, CuCl2 की तरफ। यानी कि दो रिलेशनशिप में दो दो कपल्स हैं, ठीक है, एक कपल इधर है, एक कपल इधर है, यहाँ पे इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग अच्छी है, यहाँ पे इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग अच्छी है, बट जबकि दोनों साथ में एक ट्रिप पे जा रहे होते हैं, होता क्या है, इसका एक जो मेंबर होता है उसको दूसरे मेंबर से प्यार होता है, तो वो आपस में आ जाते हैं, और बचे हुए दो मेंबर्स वो आपस में आ जाते हैं, तो इन दोनों की एफिनिटी साथ में आने की ज्यादा थी तो ये साथ में आ गए, इन दोनों की एफिनिटी साथ में आने की ज्यादा थी तो ये दोनों साथ में आ गए। यानी कि जब एक सफर हुआ तो उस सफर को हम कैमरे
केमिकल रिएक्शन कहेंगे। और उस सफर में जो इंटरचेंजिंग हुई वहां पर क्या हुआ, आयंस का आदान प्रदान हुआ, तो हम उसको कैसे समझेंगे कि यहां पर कपल्स का जैसे आदान प्रदान हुआ वैसे ही केमिकल रिएक्शन में आयंस का आदान प्रदान होगा, ठीक है। और वो आयंस का आदान प्रदान क्यों होगा, क्योंकि यहां क्या था यार, इसकी बॉन्डिंग इसके साथ अच्छी थी, बट जैसे ही उसने इसको देखा ना यार, उसके साथ इसकी वाइब अच्छे से मैच होने लगी, उसको लगा नहीं यार ये इतना अच्छा नहीं है, ये तो परफेक्ट है मेरे लिए। तो उन्होंने क्या किया, ट्रेन थी रास्ते में ही, तूने बोला चल मैं तेरे को नहीं करूंगी, मैं तेरे साथ रहूंगी, तो इसके साथ आ गई। अब इन दोनों ने देखा, इन दोनों ने बोला यार हम भी आपस में मैच कर रहे हैं, वाइब सेट हो रही, तो बोला तुम दोनों साथ आ जाओ। तो यहां ये दोनों साथ आ गए, यहां ये दोनों साथ आ गए। तो ऐसे रिएक्शन यहां पर दो ऐसी चीजें पास में आ जाती है, कंपाउंड्स में आयंस पास में आ जाते हैं, तो उस रिएक्शन को क्या कहेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट, जहां पर आयंस का आदान प्रदान हो, किसका आदान प्रदान हो, कंपाउंड्स के बीच में आयंस का आदान प्रदान हो और यहां पर प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन भी हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब लास्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन को पढ़ते हैं, जिसे हमने क्या बोला, जिसे हमने रेडॉक्स रिएक्शन बोला। रेडॉक्स नाम को तोड़ो, रे और लास्ट में रेड और लास्ट में ऑक्स, रेड ऑक्स, रेड यानी कि रिडक्शन, ऑक्स यानी कि ऑक्सीडेशन। रिडक्शन को हम क्या कहेंगे, किसी भी कंपाउंड में, किसी भी मॉलिक्यूल में अगर हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा हो तो हम कह रहे होंगे कि इसका रिडक्शन हो रहा है, या ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा हो तो हम कह रहे होंगे कि इसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। ये सिंपल सा है, क्लास 10th के लेवल का है, थोड़ा सा एडवांस बढ़ते हैं। हम बोल रहे हैं कि ऐसी चीज, इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस का अगर रिमूवल हो रहा हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस का अगर रिमूवल हो रहा हो तो उसे रिडक्शन कहेंगे, और इलेक्ट्रो पॉजिटिव सब्सटेंस का अगर एडिशन हो रहा हो तो उसे रिडक्शन कहेंगे। अब आप बोलोगे ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव ये क्या बला है, तो ये बला है, इसको अभी मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, बट सिंपल सी एक चीज बताऊंगा, ऐसी चीज जिसको इलेक्ट्रॉन से प्यार हो, जैसे हमें पैसों से, इंसान को क्या होता है, पैसों से प्यार होता है, तो ऐसी चीज जिसे किससे प्यार हो, इलेक्ट्रॉन से प्यार हो, मतलब आपस में दो लोग हैं, दोनों ने 50-50 लगाए हैं, बट इसका जो कंट्रोल है उसके 50 रुपए पे भी ज्यादा है, ठीक है, तो वो 50-50 का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, वो 70-30 का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ऐसे लोग जिनको पैसे से प्यार है, या केमिकल रिएक्शन में हम बोले ऐसे एलिमेंट्स जिनको इलेक्ट्रॉन से ज्यादा प्यार है, उन्हें इलेक्ट्रोनेगेटिव कहेंगे। और ऐसे लोग जो बोलेंगे यार ठीक है चल ले जा यार, तू ले जा, तेरे पास रख है तो हम दोनों के बीच में, तेरे पास थोड़ा ज्यादा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसे लोगों को जिनसे पैसों से थोड़ा कम प्यार होता है जाने देते हैं, ठीक है चला गया, या ऐसे एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं ठीक है यार तू ही ले ले, तेरे साइड थोड़ा ज्यादा रख ले, तो उन्हें क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव सब्सटेंस। तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव सब्सटेंस के एडिशन अगर किसी सब्सटेंस में हो रहा हो तो उसका रिडक्शन होता है, रिमूवल हो रहा हो तब भी उसका रिडक्शन होता है। अब वहीं अगर मैं कहूं कि किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा हो तो उसे मैं ऑक्सीडेशन कहूंगा, और अगर हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा हो तो मैं क्या कहूंगा, उसे ऑक्सीडेशन ही कहूंगा। इसे मैं इस तरीके से भी समझा सकता हूं कि किसी भी सब्सटेंस में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस का एडिशन हो रहा हो तो उसे हम ऑक्सीडेशन कहेंगे, इलेक्ट्रो पॉजिटिव सब्सटेंस का रिमूवल हो रहा हो तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे भी हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। यहां पर अगर मैं ऑब्जर्व करूं CuO को अगर मैं हीट करता हूं हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस में, तो वहां पर कॉपर बन रहा है और H2O बन रहा है। अगर मैं गौर से देखूं तो CuO में क्या है, ऑक्सीजन है, बट CuO से क्या बन रहा है, Cu बन रहा है, यानी कि ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि CuO जो है वो रिडक्शन अंडरगो कर रहे हैं, हाइड्रोजन H2 है बट प्रोडक्ट साइड में वाटर यानी कि H2O बन रहा है, यानी कि यहां पर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, तो मैं कह सकता हूं इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस का एडिशन हो रहा है, ठीक है। तो अब आपको रेडॉक्स रिएक्शन समझ में आ गया, और रेडॉक्स रिएक्शन में ये चीज है, ऐसी रिएक्शंस होती है रेडॉक्स रिएक्शन जहां पर रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली हो रही हो। ऐसा नहीं है कि रिडक्शन अलग से होगा, ऑक्सीडेशन अलग से होगा, ऑक्सीजन नहीं ऑक्सीडेशन अलग से होगा। रेडॉक्स रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होंगे जहां रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन एक साथ साइमल्टेनियसली एक ही रिएक्शन में हो रहे हो। कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जब हाइड्रोजन सल्फाइड क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो यहां आप देख सकते हैं H2S में हाइड्रोजन का रिमूवल होके सल्फर बन रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि H2S का ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्लोरीन में हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, HCl बन रहा है, तो मैं कह सकता हूं क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है। जिंक ऑक्साइड और कार्बन के रिएक्शन को देखोगे तो यहां जिंक ऑक्साइड में ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, जिंक बन रहा है, तो मैं क्या कहूंगा, जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ। कार्बन में ऑक्सीजन का एडिशन हुआ, तो मैं क्या कहूंगा, कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ। जहां ऑक्सीजन का एडिशन,
क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन का रिमूवल, ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन का एडिशन, रिडक्शन। हाइड्रोजन का रिमूवल, रिडक्शन, ठीक है, सॉरी ऑक्सीजन का रिमूवल, रिडक्शन। क्या हर चीज में हाँ हाँ बोल रहे हो? थोड़ा सोचो तो, गलत बता रहा हूं, ठीक है, कहीं गलत बताया तो कमेंट सेक्शन में आके लिखो, भैया तुम गलत हो, सही कराओ, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड जब हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करेगा, तो यहां पे आप देख सकते हैं SO2 है, ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ, SO2 में से सल्फर बना, ऑक्सीजन का रिमूवल क्या होगा? ऑक्सीजन का रिमूवल आपका रिडक्शन होगा, H2S, H2S में सल्फर का रिमूवल हुआ और वाटर का एडिशन हुआ, ऑक्सीजन का एडिशन, ऑक्सीजन का एडिशन, ऑक्सीडेशन। तो हम कह सकते हैं कि H2S का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। SO2 का क्या हुआ? रिडक्शन। ऐसे रिएक्शन जहां रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ साथ साइमल्टेनियसली हो रहे हो, उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें हम कहेंगे रेडॉक्स, रेडॉक्स रिएक्शन। तो मैंने रेडॉक्स रिएक्शन ना आपके लिए पूरा खोल दिया है, एकदम सिंपल, एकदम सरल भाषा में समझाया है, सिर्फ रेडॉक्स नहीं, पूरा फर्स्ट चैप्टर अच्छे से समझा दिया है। बस अब दो कंसेप्ट बचे हुए हैं, एक कोरोजन का बचा हुआ है एंड एक किसका बचा हुआ है, एक रेंसिडिटी बचा हुआ है। इसके बाद ये चैप्टर इतने सिंपलेस्ट तरीके से समझा दिया है ना, कि इसमें ये पढ़ने के बाद अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, इंटेक्स लगाओगे, पीवाईक्यूज लगाओगे, लिख के दे रहा हूं, लिख के दे रहा हूं, कहीं कुछ गलत नहीं होगा, ठीक है। प्रैक्टिस करो, समझ आ गया ना, कंसेप्ट समझ में आ गया, केमिकल रिएक्शन क्या होता है समझ आ गया, बैलेंसिंग कैसे करनी है रूल्स बताए थे, चलो समझ आ गया, शॉर्ट जाके देख लूंगा तो शॉर्टकट भी आ जाएगा, ठीक है। टाइप सारे केमिकल रिएक्शन के टाइप क्या होते हैं मेरे को समझ में आ गया, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या पांच हमने पढ़ी थी वो मुझे समझ आ गया, ठीक है। बस अब जाके क्या करना है, एनसीईआरटी पढ़नी है, ठीक है। तो एनसीईआरटी पढ़ने से पहले आगे बढ़ते हैं और रेडॉक्स रिएक्शन में कुछ और एस्पेक्ट्स को कवर करते हैं, देन उसके बाद कोरोजन को हम समझेंगे। तो रेडॉक्स रिएक्शन में एक सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा है, एक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऐसे सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइज हो रहे हो, जो ऑक्सीडाइज हो रहे हो और दूसरों को रिड्यूस करा रहे हो, उन्हें रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। और ऐसे सब्सटेंस जो रिड्यूस हो रहे हो और दूसरों को ऑक्सीडाइज करा रहे हो, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दूसरों को ऑक्सीडाइज कराए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दूसरों को रिड्यूस कराए तो रिड्यूसिंग एजेंट। अगर दूसरों को रिड्यूस करा रहा है तो खुद क्या होना पड़ेगा? ऑक्सीडाइज, क्योंकि दोनों साइमल्टेनियसली हो रहे होते हैं। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो कॉपर ऑक्साइड क्या था? रिड्यूसिंग एजेंट। हाइड्रोजन क्या था? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का रिडक्शन हो रहा था और इसका ऑक्सीडेशन हो रहा था, ठीक है। CuO का ऑक्सीडेशन हो रहा था तो वो रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, ठीक है। CuO का ऑक्सीडेशन कैसे होगा? CuO में तो क्या हुआ? ऑक्सीजन रिमूवल, तो उसका ऑक्सीडेशन हुआ। यहां पे इसका एडिशन हुआ ऑक्सीजन का, तो इसका क्या हो गया? इसका ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है, एंड इसका रिडक्शन हुआ। ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है ना, कॉपर बना रहा है, तो इसका रिडक्शन, इसका ऑक्सीडेशन। तो जिस सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा हो उसे हमने क्या कहा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा हो उसे हमने क्या कहा? रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई? जिसका ऑक्सीडेशन वो रिड्यूसिंग, जिसका रिडक्शन वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। क्योंकि ये चीज समझिए ना, अगर दूसरों को तुम रिड्यूस कर रहे हो तो तुम्हारा खुद का तो ऑक्सीडेशन ही होगा, दूसरों का भला कर रहे हो यार, तुम्हारा तो बुरा ही होगा। अरे ऐसा नहीं, मजा करो। चलिए नेक्स्ट एस्पेक्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये इस कंसेप्ट का नाम क्या है? कोरोजन। स्टार्टिंग में हमने हल्की सी बात की थी कि जो आयरन के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो आयरन के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, यहां मैंने दिखा रखे हैं, आप देख सकते हैं एक रेडिश कलर, रेडिश ब्राउन कलर की कोटिंग हर एक ऑब्जेक्ट में आपको देखने को मिल रही होगी। अगर आप चैप्टर 3 में और डिटेल में पढ़ेंगे कौन कौन से फैक्टर इससे अफेक्ट करते हैं कोरोजन को, बट यहां मैं बता देता हूं कि एयर यानी कि ऑक्सीजन एंड वाटर, इन दोनों के कांटेक्ट में जब ये मेटल आता है ना, तो रिएक्शन होता है आयरन का ऑक्सीजन और वाटर के साथ, और वहां पर एक रस्ट बनाता है Fe2O3.XH2O। इस रेडिश ब्राउन कलर को हम क्या कहते हैं? रस्ट कहते हैं। तो यहां पर रिएक्शन होता है, एक रेडिश ब्राउन कलर का सब्सटेंस बनता है आयरन के ऊपर, उसकी कोटिंग लग जाती है और ये सब्सटेंस क्या करता है पता है? मेटल को खाता है। अब देखोगे ना कि यहां पे क्या होगा, थोड़े टाइम के बाद अगर अच्छे से इसका प्रिवेंशन नहीं किया गया तो अब ये क्या करेगा? इसको खा जाएगा। आपने डेली लाइफ में भी देखा होगा वो गड्ढे गड्ढे से पड़ जाते हैं। गड्ढे गड्ढे से क्यों पड़ते हैं? क्योंकि वो मेटल को खा रहा है, जो ये Fe2O3.XH2O है, जो रस्ट है ना, वो मेटल को खा रहा होता है। तो जब मेटल का डेटोरिएशन होता है उस प्रोसेस को कोरोजन कहते हैं। हमने आयरन के केस में देखा तो उसके कोरोजन को हमने रस्टिंग कहा। सिल्वर के केस में भी होता है। अब घर में अगर सिल्वर के कॉइन पड़े हो, मम्मी को बोलना दिखाए, तो कब भी खरीदे होंगे, अब उसके ऊपर ना एक ब्लैक कलर की कोटिंग आ गई होगी। वो ब्लैक कलर की कोटिंग, उसको क्या कहते हैं हम? टार्निश। सिल्वर
टार्निश हो गया है। ठीक है, कॉपर के अगर आप बर्तन आके घर में पड़ोगे, मम्मी को बोलना दिखाएगी कॉपर के बर्तन के ऊपर एक ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है तो वो कॉपर का कोरोजन होता है। ब्लैक कलर की कोटिंग सिल्वर के ऊपर आती है तो सिल्वर का कोरोजन होता है। यानी कि कोरोजन का मतलब होता है एक किसी सब्सटेंस का उसके ऊपर कोट हो जाना, डेवलप हो जाना। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, कोरोजन कहेंगे। क्योंकि उससे होगा क्या, उस सब्सटेंस मेटल को खा रहा होगा, डिस्ट्रॉय कर रहा होगा अंदर ही अंदर से। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। कौन से फैक्टर इसमें रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का जब वन शॉट आएगा तब आप उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना पढ़िए कि जब मेटल का डेटोरिएशन होता है उसे हम कोरोजन कहते हैं, और वहां पर किसी एक सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है जो कि उस मेटल को खा रहा होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट कंसेप्ट इस चैप्टर का समझते हैं और उसके बाद ये वन शॉट को फिनिश करते हैं। ठीक है, तो ये कंसेप्ट क्या है, इसको हमने एलसीडीटी नाम दिया। देखिए, ये इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ है। पहला, ऑक्सीडेशन होने से जो मेटल खराब हुए। ठीक है, अब दूसरा, ऑक्सीडेशन का डेली लाइफ में क्या एक इफेक्ट आता है, वो आता है एलसीडीटी। आपने ऐसे फूड आइटम्स जिसमें ऑयल एंड फैट का कंटेंट हो, अगर आप उसे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रखेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा और उसमें से बैड स्मेल आ रही होगी। क्या आ रही होगी, बैड स्मेल आ रही होगी और उसका टेस्ट भी खराब हो जाएगा। आपने काफी सारे चिप्स के पैकेट देखोगे, अगर आप बहुत देर तक उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंट में रखेंगे तो अब उसका टेस्ट एज यूजुअल की तरह नहीं आएगा। काफी सारे फूड आइटम्स होते हैं जिनमें ऑयल का कंटेंट होता है, अगर आप उसे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रख देंगे तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और वो खराब हो जाएंगे, उनका टेस्ट खराब हो जाएगा, उसका स्मेल खराब हो जाएगा। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी, और उस फूड को क्या बोलेंगे, रेंसिड फूड। ठीक है, रेंसिडिटी यानी कि ऐसे फूड आइटम्स जिनमें ऑयल एंड फैट का कंटेंट हो, उनका ऑक्सीडेशन हो जाना, तो वो फूड में इससे क्या आ रही है, बैड स्मेल आ रही है, उसका टेस्ट खराब हो चुका है, तो इस प्रोसेस को, इस फिनोमेना को हम रेंसिडिटी कहते हैं। अब कर क्या सकते हैं, प्रिवेंट कैसे करेंगे, तो पहली चीज, आप उसमें एंटीऑक्सीडेंट डाल दीजिए। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट्स आते हैं, अगर आप एंटीऑक्सीडेंट्स डालेंगे तो आप प्रिवेंशन कर सकते हैं रेंसिडिटी का। आप फूड आइटम्स को किसमें डाल दीजिए, फ्रिज में डाल दीजिए या क्लोज कंटेनर में रख लीजिए। या एक और चीज आप कर सकते हैं, जैसे चिप्स आपने देखा होगा पैकेट्स में गैस होती है, तो वो गैस एक्चुअल में कौन सी गैस होती है, वो गैस होती है नाइट्रोजन गैस। कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन गैस होती है, तो चिप्स पैकेट को हम नाइट्रोजन गैस से फ्लश करते हैं ताकि उसका ऑक्सीडेशन ना हो। तो ऐसा फिनोमिना जहां पर फूड आइटम्स का ऑक्सीडेशन हो रहा हो और उसका जो टेस्ट है, उसका जो स्मेल है, वो खराब हो रहा हो, तो वहां पर उस फिनोमिना को हमने क्या नाम दिया, रेंसिडिटी नाम दिया। ठीक है, चलिए अब ये वन शॉट खत्म करते हैं। इस वन शॉट में हमने स्टार्ट किया था केमिकल रिएक्शन से, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, उसके बाद केमिकल इक्वेशंस पढ़े, उसके बाद स्केलेटल केमिकल इक्वेशन को जाना, बैलेंस करेंगे तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन बना, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस देख लिए, वहां एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक देख लिया। ठीक है, उसके बाद कोरोजन देख लिया, अब लास्ट में हमने रेंसिडिटी पढ़ के इस पूरे वन शॉट को बाइंड अप किया। अब यहां मेरी आपसे एक दरख्वास्त है कि अब ये खत्म हुआ है, आपने अभी देखा है, 10-15 मिनट का ब्रेक लीजिए, एनसीईआरटी रीड लगा लो, एक घंटा लगेगा, एनसीईआरटी रीड लगा लो, अगले दिन उठ के कोरे पन्ने में जो भी तुम्हें याद है इस चैप्टर से रिलेटेड सब लिख दो, उसके बाद वापस से एनसीईआरटी गो थ्रू करो। ठीक है, वापस एनसीईआरटी जब तुम गो थ्रू करोगे तो कुछ कुछ चीजें होंगी यार, ऑब्वियस है, तो हम सब इंसान ही है तो कुछ कुछ चीजें भूल गए होंगे लिखना, फिर उसको लिखो एंड देन उसको कंटिन्यूअसली रिवाइज करो। पहले दिन पढ़ा, तीसरे दिन, सातवें दिन, पंद्रहवें दिन, तीसरे दिन, ऐसे जब कंटिन्यूअस टाइम पे जब हम रिवीजन करेंगे तभी चीजें हमें लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेंगी। हम क्या करते हैं, आज पढ़ा, उसके बाद कब पढ़ेंगे, डायरेक्ट एग्जाम के टाइम, उसके बाद कब पढ़ेंगे, जब नेक्स्ट एग्जाम आएगा। तो ऐसा नहीं करना है, रेगुलर इंटरवल में टॉपिक्स को पढ़ते रहना है ताकि हम चीजों को नहीं भूलें। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अब इस सीरीज की नेक्स्ट वीडियो होने वाली है, उसमें हम सेकंड चैप्टर यानी कि एसिड बेसिस एंड सॉल्ट को कवर कर रहे होंगे। कुछ और, कोई और नई सीरीज चाहिए या किसी और चीज में आपको मेरी मदद चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप आकर अपने सारे सुझावों को लिख सकते हैं। धन्यवाद।